चलते हैं देश की कुछ भाषाओं के बारे में जानने के लिए, जो 1318 में कवि अमीर खुसरू ने इस बात पर गौर किया था। इस देश के हर क्षेत्र में एक अलग अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री जो दक्षिण कर्नाटक में है, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मयबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से है उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। चलते हैं देश की कुछ भाषाओं के बारे में जानने के लिए, जो 1318 में कवि अमीर खुसरू ने इस बात पर गौर किया था। इस देश के हर क्षेत्र में एक अलग अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री जो दक्षिण कर्नाटक में है, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मयबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से है उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। चलते हैं देश की कुछ भाषाओं के बारे में जानने के लिए, जो 1318 में कवि अमीर खुसरू ने इस बात पर गौर किया था। इस देश के हर क्षेत्र में एक अलग अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री जो दक्षिण कर्नाटक में है, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मयबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से है उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। चलते हैं देश की कुछ भाषाओं के बारे में जानने के लिए, जो 1318 में कवि अमीर खुसरू ने इस बात पर गौर किया था। इस देश के हर क्षेत्र में एक अलग अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री जो दक्षिण कर्नाटक में है, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मयबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा